दोस्तों आपने बहुत सारी वीडियोस के अंदर देखा होगा, एक एड जो है आपको स्टार्टिंग के अंदर देखने को मिलती है, दूसरी एड जो है आपको एक दो मिनट के बाद देखने को मिल जाती है, एक दो मिनट के बाद एक और एड देखने को मिलती है, एक दो मिनट के बाद एक और एड आपको देखने को मिलती है। तो वो एड्स कौन सी होती है? तो उनको बोलते हैं मिड रोल एड्स। मिड रोल एड्स वो होती है जो कि आप अपनी वीडियोस के अंदर कहीं पे भी लगा सकते हैं। अब आप अपनी वीडियोस के अंदर कैसे जो है मिड रोल एड्स को लगा सकते हैं, मिड रोल एड्स होती क्या है, तो इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहां पे मैं देने वाला हूं। वीडियो को आप पूरा देखिए, कहीं भी वीडियो को स्किप ना करें। दोस्तों अगर आप ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस रेगुलर देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और बेल आइकन को प्रेस करेंगे तो आपको मेरी सभी आने वाली वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। दोस्तों सबसे पहले बात कर लेते हैं मिड रोल एड्स होती क्या है। अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर एक से ज्यादा एड्स को लगाना चाहते हैं, एक एड आपके स्टार्टिंग के अंदर आती है, एक एड आपके लास्ट के अंदर आती है और बीच में अगर आप एड लगाना चाहते हैं तो उनको बोलते हैं मिड रोल एड्स। अब आप अपनी वीडियोस के ऊपर मिड रोल एड्स कैसे लगाएंगे? तो इसको लगाने के लिए क्राइटेरिया यूट्यूब ने रखा हुआ है। अगर आप 10 मिनट के ऊपर की वीडियो बनाते हैं तो आप अपनी वीडियोस के अंदर मिड रोल एड्स को लगाने के लिए एलिजिबल हो जाते हैं। तो दोस्तों अगर आपने 10 मिनट के ऊपर का वीडियो बनाया हुआ है और अगर आप अपनी वीडियोस के अंदर मिड रोल एड्स को लगाना चाहते हैं तो कैसे जो है आप लगाएंगे, तो इसके लिए मैं आपको लेकर चलता हूँ अपने मोबाइल फोन के ऊपर। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने ओपन कर लिया है अपने मोबाइल फोन के अंदर YouTube स्टूडियो बीटा को और वीडियोस वाले सेक्शन के अंदर मैं आ चुका हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहला जो मैंने वीडियो अपलोड करा हुआ है काइन मास्टर ऑडियो को एडिट कैसे करें, इसके ऊपर क्लिक करते हैं क्योंकि ये वीडियो है 12 मिनट 12 सेकंड की। तो इसके अंदर जो है हमें एड्स को ऐड करना है, जो मिड एड्स होती हैं उसको जो हमें यहाँ पे ऐड करना है। तो यहाँ पे कुछ एक ऑप्शंस आ गए, तो यहाँ पे डॉलर वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये मोनेटाइजेशन से रिलेटेड पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे जो है आप एड्स को इनेबल कर सकते हैं। अभी जो है यहाँ पे मेरा वीडियो अनलिस्टेड के अंदर अपलोड है, तो आप भी अनलिस्टेड के अंदर अपलोड करें एड्स को ऐड करने से पहले, नहीं तो जितने भी व्यूज़ आएंगे आपको वीडियो पब्लिश होने के बाद तो उनके ऊपर जो है सारी एड्स अप्लाई नहीं होंगी। तो यहाँ पे अभी तक जो है मैंने मोनेटाइजेशन को इनेबल नहीं किया है, तो सबसे पहले जो है मोनेटाइजेशन को ऑन कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पे जो है आपको नीचे ऑप्शन मिल जाती है व्यू फॉर वीडियो एड्स, तो इसका मतलब होता है कि आपकी वीडियो के स्टार्टिंग के अंदर एड शो होगी। उसके बाद यहाँ पे ड्यूरिंग वीडियो, मतलब आपकी जब वीडियो आएगी, जब वीडियो आपकी प्ले हो रही होगी तो उसके बीच के अंदर जो है आप एड शो कर सकते हैं। अगर आपकी वीडियो 10 मिनट के ऊपर है तो ही आप जो है इस ऑप्शन को इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे आ गया प्लेस मैन्युअली, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो एक और नया टैब ओपन हो जाएगा जहाँ पे जो है आप एड ब्रेक लगा सकते हैं, कहाँ कहाँ पे जो है आपको एड्स लगानी है वो यहाँ पे जो है आपको ऐड कर देनी है। तो यहाँ पे जो है मैं सबसे पहले इस जगह पे ऐड शो कर लेता हूँ। तो यहाँ पे ऑडियो ब्रेक भी आपको दिया गया है, ऑडियो लेयर दिया गया है कि भाई कहाँ पे जो है आपकी आवाज़ रुक रही है, तो वहाँ पे जाके जो है आप ऐड शो कर सकते हैं। इससे जो है थोड़ा सा लोगों को देखने में अच्छा लगता है और जो आप वीडियो के अंदर बता रहे हो तो वो भी कट नहीं होता है। तो यहाँ पे जो है मैं ऐड ब्रेक लगा देता हूँ, तो ऐड ब्रेक का बटन ऊपर दिया गया है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है एक ऐड ब्रेक लग गया। अब यहाँ पे आप जितने मर्जी ऐड ब्रेक लगा सकते हैं, ऐसा यहाँ पे कहीं पे नहीं लिखा होता है कि आप कितने ऐड लगा सकते हैं एक टाइम पे, तो जितने चाहे आप ऐड एक टाइम के अंदर लगा सकते हैं। तो यहाँ पे 12 मिनट का वीडियो है तो जितने मर्जी जो है ऐड मैं यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं एक और ऐड कर देता हूँ। अब ऐसे ही मैं कुछ एक ऐड जो है यहाँ पे प्लेस कर देता हूँ, कुछ एक दो मिनट के गैप के बाद मैं कुछ एक ऐड यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब आप बोलेंगे इतने सारे ऐड प्लेस करूँगा तो लोग तो मेरी वीडियो को नहीं देखेंगे, या फिर जो कंप्लीट देख रहे होंगे तो उनको जो है बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस होगी इन एड्स की वजह से। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ, अगर आप ऐड ब्रेक लगाते हैं कहीं पे तो वो ज़रूरी नहीं है कि हर एक ऐड ब्रेक जो है लोगों को दिखाई दे, इनमें से कुछ एक ही ऐड ब्रेक दिखाई देंगे या फिर कोई भी ऐड ब्रेक नहीं दिखाई देगा। तो यहाँ पे आप जितना मर्जी ऐड ब्रेक लगा लीजिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कम लगाए हों तो लोगों को डिस्टर्बेंस कम होती है, लेकिन जितने मर्जी आपने ऐड ब्रेक लगाए हो वो सारे के सारे कभी भी नहीं दिखते हैं। तो उसके बाद यहाँ पे जो नेक्स्ट ऑप्शन आपको मिलती है आफ्टर वीडियो, मतलब वीडियो के बाद में भी जो है आप ऐड प्लेस कर सकते हो, तो इसके ऊपर भी मैं अप्लाई कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे जो है आपको ऑप्शन मिलती है सेव की, सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये सारी मोनेटाइजेशन से रिलेटेड चीज़ें इनेबल हो जाती है और आपकी वीडियो के ऊपर ये अप्लाई हो जाती है।
दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे से समझ आ चुका है किस तरीके से जो आप अपनी वीडियोस के अंदर मिड रोल एड्स को इंप्लीमेंट करेंगे, क्या मिड रोल एड्स का मतलब होता है। तो अगर आपका इससे रिलेटेड कोई और सवाल है तो नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे जरूर से बताइए। यूट्यूब के बारे में कुछ और जानना चाहते हैं तो भी नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर मुझे बताइए, मैं सभी के कमेंट पढ़ता हूँ, सभी कमेंट्स की मैं रिप्लाई भी कर देता हूँ। तो दोस्तों बस आज की इस वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए, इससे जो आपको मेरी सभी आने वाले वीडियोस की रेगुलर नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। इंस्टाग्राम और ट्विटर के ऊपर आप मुझे फॉलो कीजिए, वहां पे मैं सभी के सवालों के जवाब देते रहता हूं, तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया गया है, जाके फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मेरे सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिलेंगे, जाके उनको भी आप देख सकते हैं, वहां पे आपके काम की बहुत सारी वीडियोस आपको देखने को मिलेंगी।